हुआ? क्या बात है बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ मैली के, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो शायद ठीक हो जाऊं। हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, कैसा एक्सीडेंट? मिस मेलिके, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। एक कार अचानक सामने आ गई। ऊपर वाले ने तुम्हारी रक्षा की है, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब टेंशन मत लो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। एमिर बेटा, तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे भी रेहान जितना ही डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसे कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक ही पल में पूरी जिंदगी मेरी नजरों के सामने से गुजर गई, बस वही हुआ था मेरे साथ। मेरे और रेहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो वही एहसास था। उस छोटे से पल में मैंने रेहान को खोने का डर महसूस किया। मिस मेलिके, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मानो मेरी जान अटक गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो बेटा कि उसने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका दिया। अब तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाती, सब बर्बाद हो जाता। एमिर बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ बेटा।